होशियारपुर के दसूहा पहुंचे पूर्व मंत्री पंजाब विक्रम सिंह मजीठिया ने यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि पंजाब में कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर भी कांग्रेस सरकार हर फ्रंट पर फेल हो रही है, क्योंकि जो वादे कर लोगों से सरकार सत्ता में आई थी वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, आप सिंधिया को देख लो या भाजपा को, एक ही बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकाल में एक भी उद्योग नहीं आया। सबसे बड़ी मिसाल होशियारपुर की है, यहाँ के खुद प्रदेश के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिजली के दाम देख लो, बिजली प्रदेश में 10 रुपए यूनिट मिल रही है, पंजाब में उद्योग कहाँ से आएगा। वहीं उन्होंने कोरोना वायरस पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में अस्पतालों में कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है, सरकार पूरी तरह फेल है। वहीं उन्होंने पंजाब में नशे के लिए मौजूदा कांग्रेस सरकार को जिम्मेवार ठहराया। को सिर्फ अखबारों च ही विकास हो रहा है जा अखबारों च ही नौकरियां मिल रही हैं। जो पंजाब दे असली हालात ने वो पंजाबी आप मूँह बोलते ने कि जो जो वहदे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने पंजाब दे लोगों नाल 2016-17 च कीते सी उन्हां च कोई भी वहदा सरकार उहदे ते पाबंद नहीं रही है। किसान खुदकुशी हले भी नहीं रुक रही, 90,000 करोड़ का कर्जा किसानों के सिर पर सी जिदे गुटका साहब हाथ से फड़ के कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दे साथियों ने यह सहुं खाधी सी, घर घर फॉरम भरवाए सन कि असी 90,000 करोड़ का कर्जा माफ़ करांगे। जे वो कर्जे माफ़ होए होंदे ते किसान खुदकुशी अज हुंदी ना, क्योंकि मसला ही सारा कर्जे करके किसान खुदकुशी हो रही है। इसलिए सुभाविक है कर्जे माफ़ी उत्ते सरकार फेल हुई है, घर घर नौकरी उत्ते सरकार फेल हुई है, और वड्डी गल है उस फेलीयर नूं सरकार ने आप कबूलिया। साडा एक सवाल सी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नूं कि तुसीं किन्नियां नूं नौकरी दित्ती, लिखती जवाब आया 33,666 लोगों नूं सरकार ने नौकरी दित्ती, कित्थे घर घर नौकरी। बेरोज़गार जिहड़े ऑफिशियली सरकार कोल रजिस्टर्ड है वह कोई 12-15 लाख बेरोज़गार तो वह ने, फिर उन्हां नाल वादा सी कि बेरोज़गारी भत्ता देवांगे 2,000 रुपया दे हिसाब नाल, वह नहीं मिलिया। बजुर्गों की पेंशन की गल सी वह नहीं मिलिया, SC स्कॉलरशिप बंद हो गई है। इसलिए मुद्दे तो 5 रुपए बिजली नहीं मिल रही, मुद्दे तो अनगिनत ने, सिर्फ अखबारों से क्योंकि इश्तहार दे के वन साइडेड पबलिसिटी है, मगर जे आम लोगों को पुछो, दुकानदार को जाके पुछो, व्यापारी को पुछो, मुलाजम को पुछो, नौजवान को पुछो, किसान को पुछो, खेत मजदूर को पुछो, सच्चाई वो दसूगा। अज मुलाजम वर्ग का यह हाल है कि 5,000 करोड़ उन्हां दा बकाया DA दा देण वाला, ये पहली सरकार हुई है जिन्हें जजिया भी ठोकिया प्रोफेसनल टैक्स के रूप से, तो बकाया भी सरकार का DA का खा गई। इसलिए हर पक्ष च फेलीयर है और इश्तहार देने एक फ्रॉड है, एक नगा नवा धोखा है लोगों के नमक छुड़कण वाली जख्मा ते नरक नमक पाउण वाला काम किया। 3 साल दे विच ना मंत्री मंडल दी मीटिंग बुलाई है 3 साल अज 16 मार्च दे दिन, ते नाल ही सूत्रां मुताबक की किया जांदा जी अज कैप्टन साहब बहुत वड्डे ऐलान करनगे, ओह नवा शगूफा तां छड्डणगे ना जी, हुण 3 साल दे लोकां नूं मूर्ख बणाता पिछले शगूफे नाल, हुण कोई नवा ड्रामा ज रचना पैना, फिर ही अगले 2 साल निकलणगे, नहीं तो निकलने नहीं। कांग्रेस असलियत यह है कि 3 साल निकल गए, साल रह गया, साल तो इलैक्शन अखीरला साल इलैक्शन ईयर होंदा, इसलिए जिन्हां तो 3 साल तो कुछ नहीं होया उन्होंने हुण की करना। कांग्रेस पार्ट नूं की कहोगे अज बाजवा नूं भी इन्होंने जिहड़े मंत्रिमंडल दी मीटिंग उहदे विच नहीं सद्या, क्योंकि बाजवा कांग्रेस दे एंटी खुल के बोलण लग पिया सर। चलो कांग्रेस की अंदरूनी जंग तो स्पष्ट ही है जी, सिंधिया साहब तो ही स्पष्ट है, होर जो हालात बने हैं मेरे कहे तो की है, जंग तो छिड़ी है, हुण पटाका कदों पैंदा गल तो इन्नी। मजीठिया साहब प्रदेश दे विच जिहड़ा इंडस्ट्री नूं बढ़ावा देने वास्ते सरकार करी है, बहुत वड्डे उद्योगों नूं प्रदेश दे विच लिया रहे हैं, उसनूं लैके तुसीं की? मैं तुहानूं एक सवाल पुछदा, होशियारपुर च कोई नवीं फैक्टरी लगदी वेखी तुसीं 3 सालां च? कोई होशियारपुर च कोई फैक्टरी इह जी तुसीं वेखी पिछले 3 सालां च कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कारगुजारी करके कोई नवीं आई है? ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ
कि असी 50,000 करोड़ की इनवैसमेंट लियाए। मैं कहा जी तुसी ता एक सड़क ते पच लाउणा होवे उहदा वी नीह पत्थर रख दिंदे थोड़े वजीर, ते मैं कहा जे 50,000 करोड़ की नवी इंडस्ट्री आई है थोनू किसी नू ना ता नीह पत्थर रखदे वेखे ना उद्घाटन करदे वेखे। और इंडस्ट्री दे चीका कढ़ा छड्डिया ने जिन्हां नू 5 रुपए बिजली का वायदा होया सी, अज 10 रुपए दे बत्ती बिजली खरीद रहे, सब तो महंगी बिजली। और कोई भी इंडस्ट्री पिछले 5 साल, मैं हुशियारपुर का ही सवाल करता है कि एक नवी इंडस्ट्री इंडस्ट्री मिनिस्टर आपके जिले च ही दस दिन कि वह कि लैके आए। प्रदेश के कोरोना वायरस को लैके आपातकालीन घोषित किया गया, लेकिन जो बहुत सारे जोड़े है होस्पिटल उन्होंने अज भी जो किटा नहीं मौजूद है उन्होंने। अपनी कोरोना एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, मैं तो थोनू सब नू भी कहूँगा जो मनजीत जसूआ जी के सत्कार वजों असं सारे आ गए हैं, मगर यह तो बचण का समा, इनू इट्स अ वेरी सीरीयस इलनेस। और यदा जेड़ा ये जो फैला है वो थ्रू कॉन्टैक्ट होंदा, पीपल कॉन्टैक्ट, और जे फैला हो गया मैं थोनू ये स्पष्ट तौर पर दस सकता कि पंजाब सरकार नहीं फिर सामभ सकती। पंजाब सरकार दे तां हस्पतालां च डाक्टर नहीं, नर्स नहीं, जिथे इक्विपमेंट नहीं, तो फिर टेस्ट किहड़े इक्विपमेंट नाल होना, पता कित्थों लगना, पहला तो इक्विपमेंट ही नहीं है। ते जे इक्विपमेंट आ भी गया तो नर्स नहीं, जे नर्स आ जाए तो डाक्टर नहीं। इसलिए पंजाब सरकार तो बिल्कुल ही इन्हां ते आस ना रखियो। वजीर साहब नूं इह सवाल होया सी कोरोना वायरस का, वजीर साहब ने जवाब देता कि असीं तां फस्ट एड दे दिंदे, ये पहले ही वजीर वेखे जिहड़ा ये कोरोना वायरस की भी फस्ट एड दे देंगे, पता नहीं कहदी फस्ट एड दे देंगे। अमरीका जे तां कोई फस्ट एड हले तक उन्होंने लभी नहीं देने लई कोरोना वायरस की। इसलिए जिन्हां नूं समझ जिन्नी है उन्नी गल कह दी। हुशियारपुर से जोनी गेरा की रिपोर्ट। इस चैनल पर चल रहे मुद्दों पर अपने विचार देने के लिए कमेंट करें, और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।